अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मलिक शायद चौहान। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, गैसों का तबादला पौधों के अंदर। फर्स्ट ड्यूरिंग डे टाइम, कि दिन के वक्त गैसों का तबादला कैसे होता है और रात के वक्त फिर पढ़ेंगे कि गैसों का तबादला कैसे होता है। दिन और रात में क्या फर्क है और क्यों है, दिन के वक्त गैसों का तबादला क्यों मुख्तलिफ है और रात के वक्त गैसों का तबादला या गैसियस एक्सचेंज क्यों मुख्तलिफ है। तो फर्स्ट है ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के वक्त प्लांट्स के अंदर दो प्रोसेस हो रहे होते हैं, रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। रिस्पायरेशन भी और फोटोसिंथेसिस, एट डे टाइम फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन बोथ द प्रोसेस अकर्स एट द सेम टाइम। इन रिस्पायरेशन ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड विच इज यूटिलाइज्ड बाय द सेल्स फॉर वेरियस एक्टिविटीज। वेयर एज इन फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कंबाइंड इन क्लोरोफिल टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। एट डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन रिस्पायरेशन इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट सेल्स इन फोटोसिंथेसिस। एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड इन रिस्पायरेशन। एट डे टाइम फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन अकर्स एट द सेम टाइम। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, सो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन रिस्पायरेशन इज यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस and oxygen produced in photosynthesis is utilized in respiration। के जो कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायरेशन में पैदा होती है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है, जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में बनती है वो रिस्पायरेशन में इस्तेमाल हो जाती है। लेकिन ऑक्सीजन जितनी पैदा होती है उससे कम इस्तेमाल होती है फोटोसिंथेसिस में, सॉरी रिस्पायरेशन में, इसलिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो होती है वो रिलीज कर दी जाती है इन्वायरमेंट। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इतनी इनफ रिस्पायरेशन में पैदा नहीं होती जितनी जरूरत होती है, इसलिए एक्स्ट्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो वो एनवायरनमेंट से ली जाती है। यानी नेट क्या है कि डे टाइम में प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड रिलीज ऑक्सीजन इनटू एनवायरनमेंट। ड्यूरिंग नाइट, during night only respiration takes place because sunlight is absent, so photosynthesis is not taking place at night time, so plants get oxygen from environment and release carbon dioxide in environment।
गैशियस एक्सचेंज, हाउ गैशियस एक्सचेंज अकर्स इन प्लांट्स, पौधों में गैसों का तबादला कैसे होता है। गैशियस एक्सचेंज अकर्स थ्रू बॉडी सरफेस ऑफ रूट्स स्टेम एंड लीव्स थ्रू देयर एपिडर्मस, बिकॉज एपिडर्मस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ रूट्स लीव्स एंड स्टेम। सम पार्ट्स कंटेन क्यूटिकल फॉर गैशियस एक्सचेंज। What is cuticle? Cuticle is a thick waxy layer mostly present on leaves. And cuticle allow gaseous exchange. In leaves and young stems, there are small pores like this known as stomata. So in leaves and young stems, these pores which are called stomata are responsible for gaseous exchange. Young जो stems होते हैं और जो leaves होते हैं उनमें stomata जो सुराख होते हैं वो responsible होते हैं किसके लिए, gaseous exchange के लिए। In woody plants, higher plants, whole surface is covered with bark. So bark, through bark, gaseous exchange could not take place. So in those plants, in woody plants, lenticles, small pores are present for gaseous exchange. So, जो woody plants होते हैं लकड़ी वाले पौधे, बड़े पौधे, उनमें बार्क छाल होती है, तो छाल के जरिए जो है वो गैशियस एक्सचेंज नहीं हो सकता, तो उन पौधों में लेंटिकल्स मौजूद होते हैं, स्मॉल सुराख होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे सुराख होते हैं जिनके जरिए गैसों का तबादला होता है। तो आई एम श्योर कि आपको समझ आ गई होगी कि गैसियस एक्सचेंज दिन के वक्त कैसे होता है, रात के वक्त कैसे होता है, और इसका प्रोसीजर क्या है, कौन से पोर्स होते हैं जिनके लिए गैसों का तबादला होता है प्लांट्स के अंदर। सो नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।